नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायती टाइम्स में। मैं वासु त्यागी एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। देश की सबसे कठिन माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं यूपीएससी 2017 में उत्तीर्ण करने वाले फोर टॉपर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं हैदराबाद के अनुदीप दुरुशेट्टी से, जिन्होंने इस परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर अनु कुमारी, जो कि हरियाणा से हैं। तीसरे नंबर पर सिरसा के सचिन और चौथे नंबर पर बिहार के अतुल ने इस परीक्षा में टॉप किया है। तो आइए जानते हैं इन मेधावी छात्रों के सफर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम स्थान पर आने वाले अनुदीप दुरुशेट्टी के बारे में। टॉपर अनुदीप दुरुशेट्टी इससे पहले भी इस परीक्षा में सफल हो चुके थे और फिलहाल हैदराबाद में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम कर रहे थे। बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट अनुदीप गूगल में भी काम कर चुके हैं। दुरुशेट्टी अनुदीप ने एंथ्रोपोलॉजी विषय के साथ परीक्षा दी थी। रिजल्ट के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह सफलता से काफी खुश हैं और इस सफर में उनका साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे स्थान पर आने वाली हरियाणा की अनु कुमारी के बारे में। हरियाणा से आपने ये तो सुना होगा कि खेल क्षेत्र में लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों ने भी बहुत नाम रोशन किया है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की अनु कुमारी के बारे में, जिन्होंने इस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर आने वाली अनु कुमारी हरियाणा के सोनीपत की हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बीएससी करने के बाद आईएमटी नागपुर में एमबीए की पढ़ाई की है। मूल रूप से पानीपत के गांव दीवाना के रहने वाले बलजीत सिंह की बेटी अनु कुमारी का यह दूसरा प्रयास था। अनु ने बताया कि वह पिछले 9 सालों से प्राइवेट जॉब कर रही थी। इसी बीच शादी हो गई, बेटा भी हो गया। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अनु ने अपने बेटे को 1.5 साल तक खुद से दूर अपने माता पिता के पास भेज दिया। समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून लेकर पढ़ाई करने वाली अनु खुद पुरखास गांव में आपसी मौसी के पास रहती। तीसरे स्थान पर हैं सचिन गुप्ता। यूपीएससी 2017 की परीक्षा में तीसरा स्थान पाने वाले सचिन गुप्ता भी हरियाणा के हैं। उन्होंने पटियाला के थापर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन वह सिविल सेवा में आना चाहते थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया और अब नतीजा सबके सामने है। चौथा स्थान हासिल करने वाले हैं अतुल, जो कि बिहार के हैं। यूपीएससी 2017 की परीक्षा में चौथा स्थान बिहार के अतुल प्रकाश ने हासिल किया। उनके पिता रेलवे में इंजीनियर हैं और अतुल की पढ़ाई विभिन्न रेलवे स्कूलों में हुई। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अतुल का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की। हालांकि वह आईएएस बनना चाहते थे और अपने दूसरे ही प्रयास में उन्होंने इस कठिन परीक्षा में चौथा स्थान हासिल कर लिया। तो ये थे हमारे 4 यूपीएससी टॉपर्स। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें पंचायती टाइम्स। नमस्कार।